वैसे कृष्ण को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, क्योंकि राम मंदिर के बाद से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विवाद को एक पल के लिए साइड में रख दे तो मथुरा ऐसा शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण का बचपन उनकी मस्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं। जी हाँ, ये वही पावन मथुरा नगरी है जिसने कंस का अत्याचार भी देखा है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी देखा है, भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाएं और राधा और कृष्ण का अनन्य प्रेम भी देखा है। तो आइए उसी मथुरा नगरी से जुड़ा इतिहास का वो किस्सा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ टाइम मीडिया पे और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। मथुरा नगरी, विवादों से जुड़ा हुआ है जिसे आजकल मथुरा शाही ईदगाह विवाद कहा जा रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है जहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है यहां कोई मंदिर नहीं था, ये शाही ईदगाह ही है। ये मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है, पर क्या है इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों ये विवाद शुरू हुआ? तो आइए पलटते हैं इतिहास के उस पन्ने को जो इस विवाद से जुड़ा हुआ है। आज से 350 वर्ष पहले जिस समय दिल्ली पे मुगल आक्रांता औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब एक कट्टरपंथी और क्रूर विचारधारा का व्यक्ति था। औरंगजेब मूर्ति पूजा का सख्त विरोधी था, इसलिए उसने उन सभी हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया जिनमें हिंदुओं की विशेष आस्था थी। उस समय औरंगजेब के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। वो तारीख थी 9 अप्रैल 1669 ई, जब मथुरा के गोकुल में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की मंदिर को तोड़ने का आदेश खुद औरंगजेब ने दिया। वो श्रीनाथ जी के मंदिर और उनकी मूर्तियों को किसी कीमत पर तोड़ना चाहता था, क्योंकि इस मंदिर से हिंदुओं की विशेष आस्था जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी जो कि 7 वर्ष के बाल स्वरूप में हैं, इस मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात बाल स्वरूप माना जाता था। इसलिए औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना जब श्रीनाथ जी के मंदिर को घेर कर मंदिर ध्वस्त करने लगे तो वहाँ के प्रमुख रहे पुरोहित श्री दामोदर दास बैरागी जी के बल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में स्थापित करके बूंदी पुष्कर के रास्ते जोधपुर पहुँचे। इधर औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया, जो भी राजा श्रीनाथ जी की मूर्ति को अपने राज्य में शरण देगा उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इसी कारण वहाँ के राजा जसवंत सिंह राठौर ने संतों से क्षमा मांगी और श्रीनाथ जी की मूर्ति को ले जाने का आदेश दिया। तब उनके सेनापति वीर दुर्गादास राठौर ने यह पत्र संदेश मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह के पास भेजा, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पौत्र थे। पत्र पढ़ते ही महाराणा राज सिंह ने जवाब दिया कि जब तक मैं और मेरी सेना के 1,00,000 सिपाही जीवित हैं, कोई श्रीनाथ जी को छू भी नहीं सकता। ये सुनकर औरंगजेब हिल गया और चुप हो जाने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद दुर्गादास राठौर ने जोधपुर के पास चौपासनी नामक गांव के श्रीनाथ जी को बैलगाड़ी में ही 6 महीने रखा, जब तक महाराणा राज सिंह उनका मंदिर नहीं बनवा लेते। इसके बाद 5 दिसंबर 1671 को दुर्गादास मूर्तियों को लेकर सिहाड़ नामक गांव में पहुंचे, जहां महाराणा राज सिंह खुद श्रीनाथ जी का स्वागत और दर्शन किए। फिर 20 फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। आज उसी सिहाड़ गांव को नाथ द्वार के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान राजसमंद जिले की स्थित है। यह उदयपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी अरावली के पहाड़ियों में स्थित है। उसे बल्लभ और वैष्णव संप्रदायों का
केंद्र भी माना जाता है। तो यह थी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा किस्सा, जिसे राम जन्मभूमि के तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यह नारा दिया है कि कृष्ण लल्ला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। न्यूज़ टाइम मीडिया के लिए ये रिपोर्ट लिखी है रवि प्रताप सिंह ने और कैमरे के पीछे हैं उदय रमन। ऐसे और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।